भारत के लोगों की यही एस्पिरेशन, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सबसे अहम दूरी बनने जा रहा है। इस बहुत बड़े वर्ग की आकांक्षा पूरी करने के लिए भारत जो कर रहा है, उसने अमेरिका के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब जैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, भारत का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हमारा पैसेंजर्स ग्रोथ नया रिकॉर्ड बना रही है। इस डिमांड की पूर्ति के लिए भारत के एयरलाइंस कंपनियां सैकड़ों एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रही है और इसका लाभ, जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कहा, इसका लाभ यहां अमेरिका की कंपनियों को हो रहा है, यहां भी जॉब्स क्रिएट हो रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को मेरी इस विजिट में एक नई ऊंचाई मिली है। कल जब मैंने कांग्रेस में इस बारे में बात की थी तो पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन की दीर्घ दृष्टि, फोरसाइटनेस, पूरा सदन उछल उछल करके बधाई दे रहा था कल। भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका के करीब करीब हर स्टेट के लोगों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का नाता बना रहा है, एक मदद का नया एक आयाम खुल रहा है। एरिजोना में बनने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर, जॉर्जिया के C-130 के सुपर हरकुलिस, अलाबामा के MH-60R हेलीकॉप्टर्स, वाशिंगटन और साउथ कैरोलिना के सिविलियन बोइंग एयरक्राफ्ट, पेंसिल्वेनिया के चिनूक हेलीकॉप्टर, ये भारत के साथ ही अमेरिका के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को भी मजबूती दे रहे हैं। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा और अलास्का को भी भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से मदद मिल रही है। टेक्सटाइल हो, फूड हो या फिर टूरिज्म, करीब करीब हर सेक्टर में भारत के एस्पिरेशंस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। और मुझे एक बात की और खुशी है, भारत की कंपनियां भी अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। न्यूजर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनॉय, मिशिगन, यहां बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से कुछ महानुभाव यहां मौजूद भी है। इन सब का फायदा कि यहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका के युवाओं को हो रहा है, अमेरिका के किसानों को हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप दोनों देशों के हित में है, दोनों देशों के लोगों के हित में भी है। और इसलिए इसको मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रेसिडेंट बाइडेन के नेतृत्व में यहां की सरकार इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे बीते 3 दिनों में इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए
कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। डिफेंस से लेकर एविएशन सेक्टर तक, एप्लाइड मटेरियल से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, आईटी सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक, भारत अमेरिका अब मोस्ट रिलायबल पार्टनर की तरह आगे बढ़ रहे हैं।